अखिल भारतीय महाजन युवा विंग की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन प्रधान सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशेष रूप से इंद्रजीत गुप्ता, राजू महाजन ने शिरकत की। इस मौके पर विंग की ओर से पंजाब स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट के वाइस चेयरमैन बनने पर विनय महाजन का स्वागत किया गया और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी गयी। आज अखिल भारतीय महाजन युवा विंग की तरफों सुनील महाजन जी, चेयरमैन गणेश महाजन जी की अध्यक्षता दे विच एक कार्यक्रम कराया गया, जिदे विच यह मैसेज दिता गया कि अगर अं सारे इकट्ठे हाँ तो सानू किते भी कोई रोक नहीं सकता। जिवें कि राजू महाजन जी ने कहा कि अगर साडा समाज, साडा महाजन परिवार इकट्ठा हो जाता तो सानू कोई भी औकड़ नहीं आती। अज साडे विच पंजाब स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सीनियर वाइस प्रधान, वाइस चेयरमैन श्री विनय महाजन जी और आल इंडिया के सीनियर वाइस प्रधान सुरेश महाजन राजू जी, मनमोहन गोरखा जी, साडे पंजाब प्रधान द्वारका नाथ जी, कमल महाजन जी, पम्मी जी, राजू महाजन जी और सारे साथी साडे जिहड़े इत्थे बैठे ने। मैं महाजन युवा विंग ने जिहड़ा फंक्शन किया उन्होंने तारीफ दे विच मैं यह कहांगा उन्होंने एक बहुत वधिया कार्यक्रम आज दिता है। आने वाले समय के भी वो इदा के कार्यक्रम करते रहेंगे ता कि महाजन बरादरी जी है एक मुठ हो के सारे का मुकाबला कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाजन। अज महाजन युवा विंग पठानकोट की जड़ी टीम है, सुनील महाजन जी, जितेंद्र महाजन जी तो उन्होंने सारी टीम ने मैं पठानकोट बुला के पंजाब इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन का सीनियर वाइस चेयरमैन बनने के उपरांत इतने आके सम्मानित किया। इतने मेरी बरादरी के सारे महानुभव सीनियर लीडरशिप, द्वारकादास महाजन जी, आल इंडिया महाजन सभा के सरप्रस्त, सेंट्रल महाजन सभा के चेयरमैन साढ़े राजू जी, कौंसलर कमल जी, साढ़े मेरे वड्डे भाई इंद्रजीत गुप्ता जी, नितिन लाडी जी जो सेंट्रल महाजन सभा के प्रधान है वह भी हुने ही आके गए हैं जरूरी काम लई। पम्मी जी साढ़े सीनियर लीडर कांग्रेस के भी और साढ़े पठानकोट महाजन सभा और आल इंडिया महाजन सभा के भी सीनियर आगू ने। मेरे नाल आए सुनील महाजन जी कार्यकारी प्रधान, सुरेश जी, सतीश जी, तिलक जी, रमन जी इतने बैठे, साढ़े मनमोहन जी, मेरे नाल मेरे सीनियर साथी सुरेश जी, राजू जी और जिन्हें भी महाजन सभा के सम्मानित सदस्य बैठे, मैं सारे का आभार प्रकट करना। इन्होंने इतने आके मेरा मान सम्मान बढ़ाया और मैं इतने आते अपील करना चाहवाँगा अपनी बरादरी को कि असी अपनी बरादरी जी साड़ी पठानकोट के बहुत ज़्यादा तादाद है, लगभग मेरे हिसाब से 8 to 10 हज़ार परिवार घर ने साडे और 30-35 हज़ार वोट है। असी आपस में एकता बनाइए और बरादरी कट्ठे होकर अगे चलीए और जोड़े बरादरी के साडे महानुभव ने श्रद्धे लाला हंसराज जी महाजन, श्रद्धे चीफ जस्टिस मेहरचंद जी महाजन, जिन्होंने सानू प्रेरणा दी है, उन्होंने प्रेरणा से चलते हुए बरादरी नूं इकट्ठ करके अगे लैके चलीए ते उन्होंने पद चिंता चलते हुए शहर दे विच और अपने पंजाब और देश दे विच बरादरी का नाम उच्चा करिए। पठानकोट महाजन हाल दे विच, मालटन महाजन हाल दे विच एक विशाल कार्यक्रम किया गया, जिहड़े साडे सुनील महाजन जी आल इंडिया यूथ दे प्रधान ने और उन्होंने जीतू जी उनके जनरल सैकटरी आल इंडिया के और उन्होंने सारी टीम ने एक काफ़ी वड्डा प्रोग्राम किया, जिस साडे विनय महाजन जी पंजाब गवर्नमेंट के चेयरमैन, श्री द्वारका महाजन जी पंजाब प्रधान, साढ़े राकेश पम्मी जी, साढ़े सरप्रस्त कमल महाजन जी, साढ़े इंद्रजीत काला जी जिला अध्यक्ष ने साढ़े व्यापार मंडल के, बाकी सारी टीम साड़ी वधाई की पात्र, खास कर सुनील महाजन जीतू की सारी टीम जिन्होंने साढ़े विनय महाजन जी और नितिन महाजन लाडी हुणे गए, उन्होंने कोई जरूरी काम पै गया वो भी आए ही, उन्होंने मैंने कहा भी स्पैशल मेरे को कह दो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना, उन्होंने कोई जरूरी काम से। मैं सारे आए हुए साथियों का अपने महाजन बराज के लोगों का धन्यवाद करना भी इतने तुम मालटाउन महाजन सभा आए हो तो साढ़े जोड़े है, मैं यो वादा करना भी विनय महाजन जी साढ़े जोड़े पंजाब के चेयरमैन बने हैं पंजाब सरकार के, उन्होंने भी यो गल है भी जिते भी कोई महाजन बराज का बंदा खड़ा है पहल वो करो और मेरी भी यो मंग है भी जिते महाजन बंदा खड़ा पहले वो गल सुनो। कुल मिला के साडे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की 1,28,000 महाजन बरादरी लोग ने, 1,28,000 महाजनों तो उत्ते बरादरी है, इस करके महाजनों का गठजोड़ चाहिए ता जो जिहड़ा जिथे भी होए कोई राजनीति होए कोई किते होए कोई पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जिथे मर्जी महाजना की पिटन लगे। इस करके मैं आए हुए सारे अपने महाजन लोगों का जी आया कहना
और मैं दोबारा कहाँगा भी जेडे माइन पराज के लोग है वो आपस में इकट्ठे हो जाओ जो सानू किते किसी भी पास्यों सानू आन बान ना लगनी पे। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।